नमस्कार, जय हिंद। मैं कुमार ऑनिस और आप देख रहे हैं रियल रिजल्ट। हिस्ट्री क्लास 10th लेसन 3rd हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का ये का लेक्चर वीडियो होगा। और इसके पहले अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद और अध्याय 2 समाजवाद एवं साम्यवाद का लेक्चर और सारे अभिव्यक्ति सवाल का वीडियो आपके अवेलेबल करा दिया गया है। और इसके अलावा अध्याय 1 और 2 का जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न, इन सब का वीडियो आपको दे दिया गया था। यदि आपने उसको नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है। तो उन सब को भी आप जरूर देखिए, सारा वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और अब अध्याय 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ये सबसे पहले जो आपका टाइटल है शीर्षक अध्याय का, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, आखिर हिंद चीन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये देखेंगे हम लोग। देखिए, हिंद चीन को इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडो चाइना, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंडो चाइना बोलते हैं। और आज के यानी वर्तमान में दक्षिण पूर्व एशिया में, वर्तमान समय में दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले इलाके को बोलते हैं हिंद चीन। अब वो पता है कि विश्व में 7 महादेश है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और इसमें सबसे बड़ा जो महादेश है वो है आपका एशिया महादेश। और एशिया महादेश दक्षिण पूर्व में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले इलाके को बोलते हिंद चीन, जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ठीक है, ये क्षेत्र आते हैं। यानी दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले वैसा इलाका जिसमें आज का यानी वर्तमान समय का वियतनाम, लाओस और कंबोडिया का क्षेत्र आता है, उसी को बोलते हैं हिंद चीन इंडो चाइना। की बात समझ में आ गया। अब देखिएगा, प्राचीन काल से वियतनाम पर चीनी संस्कृति का प्रभाव था, यानी काफी पहले से ही वियतनाम पर चीनी संस्कृति का प्रभाव था। और लाओस और कंबोडिया वाले क्षेत्र पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव था। देखिए, वियतनाम पर चीन और लाओस कंबोडिया पर भारतीय जो था कल्चर, उसका प्रभाव था। तो देखिए, तो आपको यहां समझ में आ रहा होगा कि यानी कि हिंद चीन के कुछ इलाकों पर चीन का क्या आपका आधिपत्य है और कुछ पर आपका क्या भारतीय का आधिपत्य है। तो इसीलिए देखिए इस इलाके को इंडो चाइना हिंद चीन कहा गया। अब बात यह समझिए कि जब 1498 में 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने क्या किया, भारत की खोज किया, ये पता है आपको पहले से ही, ठीक है। जब 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया, और ये कहां के थे, वास्को डी गामा पुर्तगाल के, ठीक है, पुर्तगाल के। तो इसके बाद पुर्तगाल का व्यापार, ठीक है, काफी बढ़ गया इंडिया के साथ में। यानी कि वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज के साथ ही पुर्तगाल और इंडिया के बीच व्यापार काफी बढ़ गया। और जब पुर्तगाली भारत से व्यापार करने लगे तो धीरे धीरे ये अपना दायरा बढ़ाते हुए इंडो चाइना भी पहुंच गए। मतलब कि पुर्तगाली वह पहला यूरोपीय था जो सबसे पहले इंडो चाइना के साथ व्यापार करना शुरू किया। मतलब कि और पुर्तगाल के अलावे यूरोपीय देशों में स्पेन, डच, इंग्लैंड, फ्रांस, यानी अन्य सारे देश भी आए जो इंडिया के साथ और हिंद चीन में जो है अपना व्यापार करना शुरू किया। तो देखिएगा, इंडो चाइना में सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाल आया। इसके बाद कौन आया आपका, स्पेन आया, फिर डच आया, फिर आपका इंग्लैंड आया, और फिर आपका क्या आया, फ्रांस आया। ध्यान दीजिएगा, पुर्तगाल, स्पेन, डच, इंग्लैंड और फ्रांस। और इसका क्रम जो है आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं कि हिंद चीन में विदेशियों के आने का क्रम क्या है, और वहां पे 4-5 देश का नाम दे दिया जाएगा, ठीक है, वहां पे जो है आपसे क्रम पूछा जाएगा, ठीक है। और वहां पे इंग्लैंड पहले, स्पेन लास्ट में, इस तरह से जो है सबको मिक्स कर दिया जाएगा। तो इसको याद करने का जो है एक मतलब काफी फनी ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फनी है, आप मैनेज कर लीजिएगा। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि इंग्लैंड की कोई बहन है, ठीक है, पुर्तगाल, इंग्लैंड की कोई बहन है पुर्तगाल, बात समझ में आया,
और इसके बहन को जो डच है ना, ये इसको टच कर रहा है। इंग्लैंड की कोई बहन है पुर्तगाल, सोचिए किसी के बहन को कोई टच करेगा तो सोचिए वो अगला उसका क्या हासिल करेगा। तो गाल पर सटरी क्या हो गया आपका, गाल पर पेन से डच ने टच किया, ठीक है, डच ने टच किया, गाल पर पेन से डच ने टच किया। और जब ये इंग्लैंड की बहन है तो इंग्लैंड आया और उसको फाड़ चीर कर छोड़ दिया, ठीक है, थोड़ा सा फनी है, आप मैनेज कर लीजिएगा। तो गाल पर पेन से डच ने टच किया, इंग्लैंड आया और उसको फाड़ चीर कर छोड़ दिया, किसको, टच करने वाले को। तो ऐसे जो है ये आपको याद हो जाएंगे, पुर्तगाल, स्पेन, डच, इंग्लैंड और फ्रांस, और ये ट्रिक जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा अब क्या होता है। तो जब इंडिया का खोज हुआ तो पुर्तगाली इंडिया में क्या किए, अपना व्यापार करना शुरू किए और धीरे धीरे ये हिंद चीन में पहुंच गया। और जब हिंद चीन पुर्तगाली आया तो फिर यहाँ पे स्पेन भी आया, डच भी आया, इंग्लैंड भी आया और फ्रांस भी आया, और ये सारे देश जो है इंडो चाइना के साथ व्यापार करना शुरू किए। लेकिन इन सब में पुर्तगाल, स्पेन, डच और इंग्लैंड, ये सब केवल आते, व्यापार करते और जाते, लेकिन फ्रांसीसी वो पहला व्यक्ति था, फ्रांस वो पहला देश था जिसने इंडो चाइना को, हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का ख्याल किया। यानी फ्रांस सोचा कि क्यों ना इंडो चाइना को, हिंद चीन को मैं अपना उपनिवेश बना लूं, ताकि यहाँ स्वतंत्र रूप से जो है हम व्यापार कर सके, बिल्कुल अपनी मनमौजी व्यापार कर सके, जैसे इच्छा वैसे। और उपनिवेश क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। उपनिवेश मतलब क्या, कि किसी शक्तिशाली देश द्वारा किसी कमजोर देश को अपने अधीन कर लेना। जब कोई शक्तिशाली देश किसी गरीब कमजोर देश पर आर्थिक राजनैतिक रूप से अपना दबदबा कायम कर लेता है तो उस शक्तिशाली यानी उस कमजोर देश को उस पावरफुल कंट्री का उपनिवेश कहते हैं। बात समझ में आया, यानी कि इंडिया भी लगभग 200 वर्ष तक इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो उस समय अपना इंडिया क्या था, थोड़ा सा कमजोर था और इंग्लैंड क्या था, थोड़ा सा पावरफुल था। तो जब किसी शक्तिशाली देश द्वारा किसी गरीब कमजोर देश पर आर्थिक या राजनैतिक रूप से अपना आधिपत्य कायम कर लिया जाता है, तब उस छोटे से कमजोर देश को उस बड़े देश का उपनिवेश कहते हैं, ठीक है। तो ये था। और इसके बाद क्या होता है कि जब फ्रांस इंडो चाइना का अपना उपनिवेश बना लिया तो ये वहां अपना शोषण करना शुरू किया, यानी फ्रांस जो है हिंद चीन को अपना शोषण करना शुरू किया बस अपने फायदों के लिए। अब सवाल ये बनता है कि फ्रांस आखिर इंडो चाइना को अपना उपनिवेश बनाया क्यों, आखिर उसको क्या महसूस हुआ, फ्रांस को क्या जरूरी महसूस हुआ कि वह इंडो चाइना की ओर अपना पैर पसारना शुरू किया। तो देखिए बात समझिएगा, भारत के साथ इस समय इंग्लैंड भी व्यापार कर रहा था, पुर्तगाल भी, फ्रांस भी और कई अन्य सारे कंट्री भी थे। लेकिन इंडिया में सबसे जो अच्छी थी स्थिति विदेशियों में वह थी किसका, इंग्लैंड का। यानी कि भारत में इंग्लैंड के अलावे जो फ्रांसीसी था ना, भारत में जो फ्रांसीसी थे ये कमजोर पड़ रहे थे, और चीन में जो था इंग्लैंड का दबदबा काफी अधिक था। यानी कि फ्रांस को लगा, इसको महसूस हो गया कि भारत में जो है ना हम इंग्लैंड से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और चाइना में लगभग वही हाल था। तो फ्रांस ने अपना दिमाग लगाते हुए, ठीक है, इंडिया और चीन के बीच वाले इलाके यानी कि इंडो चाइना, यानी कि क्या, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये इंडो चाइना वाले इलाके को अपना उपनिवेश बनाया, ताकि कठिन परिस्थितियों में भी ये बीच में खड़े होकर दोनों ओर इंडिया और चीन को संभाल सके, ठीक है। तो इस सोच के साथ फ्रांस जो है ना इंडो चाइना को यानी वियतनाम, लाओस, कंबोडिया को अपना उपनिवेश बनाता है, और उपनिवेश बनाने के साथ साथ वह वियतनाम में, लाओस में, कंबोडिया यानी इंडो चाइना में जो है ना काफी विकास भी करता है। क्योंकि उस समय यूरोपीय देशों का ऐसा मानना था कि जितने भी एशियाई देश है ना वो पिछड़े हुए हैं, उनको आगे बढ़ाना, उनको डेवलप करना हमारा फर्ज है,
तो एक इस फर्ज के नाते भी फ्रांस जो है ना इंडोचीन को अपना उपनिवेश बनाया और दूसरी ओर बिजनेस करने में व्यापार में लाभ कमाए और उसके साथ जो लाभ तो खैर कमाए ही कमाए लेकिन जो बिजनेस हो ना तो उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए उस कच्चा माल की प्राप्ति के लिए और तैयार माल को इन तैयार सामान को बेचने के लिए मार्केट उसको यहां से आसानी से प्राप्त हो जा रहा था। तो कच्चे माल की सेलिंग के लिए और तैयार माल को बेचने के लिए उसको इंडो चाइना में हिंद चीन में एक बड़ा बाजार एक बड़ा मार्केट अवेलेबल हो रहा था। तो इन सभी लिहाज से जो है ना क्या किया फ्रांस ने हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाया। इसके बाद की जो कहानी है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है और इसमें बस इतना ही ठीक है। यदि आप लोगों का कमेंट आएगा तो पार्ट टू भी इसका लाया जाएगा ठीक है। पार्ट टू में जो है आपको मतलब इसके आगे की कहानी बताया जाएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। बस इतना ही। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।